हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेश चौधरी और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रिप। किसी भी फोटो का बैकग्राउंड जो है किस तरह से रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही नया बैकग्राउंड किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ से ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ लोड फोटो, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको जो भी फोटोज़ का बैकग्राउंड है रिमूव करना है वो फ़ोटो यहाँ से चूज कर लेंगे। मैं यहाँ से ये फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आपको क्रॉप करना है तो आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डन पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो हमको रिमूव करना है, तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑटो, यहाँ पर ऑटो पे क्लिक कर लेंगे, जो स्टार वाला ऑप्शन है उस पर। अब मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ, जो कि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, आप इसे कम मात्रा में कर लेते हैं। यहाँ पर 25 पे हैं, मैं इसे कम मात्रा में कर लेता हूँ 15। ठीक है, इसको थोड़ा इधर रख के देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमूव हो गया है। यहाँ से मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लूँगा, यहाँ पे कर लूँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जहाँ से जो रिमूव करना है वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है इसको। अब ये जो बचा कुचा है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मैनुअल, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। मैनुअल पे जाएंगे, ये थोड़ा 15 पे है, इसको बढ़ा देंगे मैनुअल साइज़ को। ठीक है, यहाँ से आप ये सब जो बचा कुचा है उसको यहाँ से निकाल देंगे। ये तरह से आप बैकग्राउंड जो है वो पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा होगा, इसे कहीं ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर बैक पे इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये चला जाएगा। आप अगर चाहो तो यहाँ मैनुअल पे मैनुअल से भी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हो। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको मैनुअल साइज़ बड़ा या छोटा कर लेना है। मैं यहाँ से थोड़ा मैनुअल साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं इस टाइप से। यहाँ से धीरे धीरे से आप यहाँ से पूरा फोटोज़ जो है उसका या पूरे फोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसके साथ आप दूसरे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऐसे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं जिसके पीछे बहुत सारे कलर्स हो और साथ ही अलग अलग चीज़ें हो। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह से करना है वो आप, जहाँ पर ज़्यादातर आपको एक ही कलर की चीज़ें दिखाई दे वहाँ पर आपको ऑटो का यूज़ करना है, ताकि आपको एकदम सरलता से एकदम सही से आपका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ये ऑटो का यूज़ किया तुरंत पीछे वाला जो बैकग्राउंड एक ही कलर का था तो वो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर सभी चीज़ें अलग अलग हैं तो ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा यूज़ करना है, इस पर आपको जो है मैनुअल यूज़ करना है, और इसकी साइज़ जो है मैनुअल साइज इसको बड़ी कर देनी है। यहाँ पर इस तरह से आपको ये कर देना है। अब आपको जहाँ जहाँ इस तरह से कर देना है सिंपल इसे, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो यहाँ से बैक कर लेना है, इस तरह से कुछ करना है आपको। एकदम ईजी चीज़ है, ईजिली आप ये सब कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं। छोटी छोटी जो चीज़ें बच जाती है उसमें आपको ये मैजिक का जो है ऑप्शन, उस पर क्लिक करके मैजिक का यूज़ करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा खींच यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको करना है, ताकि मैजिक जो है वो एकदम छोटे से छोटे चीज़ को रिमूव कर लेता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ऐसी चीज़ों का आपको किस तरह से रिमूव करना है। जैसे कि मैं ये जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनको इस तरह से कर लेना है। बाद में यहाँ पर मैजिक का जो ऑप्शन है उसको पे क्लिक कर लेना है। बाद में कुछ इस तरह से आप जूम इन करके इस तरह से अंदर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से अंदर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेना है। बाद में आपको यहाँ पर डन लिखा हुआ है ऊपर, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कुछ बचा कुचा रह जाता हो
तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर 5 पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3 पे क्लिक करूँगा तो इस तरह छोटा मोटा जो बच जाता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड जो है। बाद में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं फ़ोटो। बहुत ही आसान है किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव पे बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। हमने सीख लिया कि फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव किया जाता है, अब हम सीख लेते हैं कि नया बैकग्राउंड किस तरह से लगाया जाता है। इसके लिए आप बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैनवा है, पिक्सल आर्ट है, पिक्सल लैब है, पिक आर्ट है, इन सभी एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कैनवा का यूज़ करके दिखा देता हूँ। कैनवा में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग पोस्ट करने के लिए। सबसे पहले ये हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दिखा देता हूँ किस तरह से आपको बैकग्राउंड जो है वो ऐड करना है। हम यहाँ पर इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज में मैं ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको एक बैकग्राउंड जो है जिस हिसाब से आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड शूट करे उस हिसाब से आपको एक बैकग्राउंड जो है वो सर्च कर लेना है गूगल में से, या तो अदर प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में आपने जो फ़ोटो रिमूव की थी उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर वो फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये थी वो फ़ोटो जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था। ठीक है, तो आप कुछ इस हिसाब से सेट कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से आप इस यहाँ पर क्रॉप का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो आप रिमूव कर सकते हो और एक नया बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कॉमेंट कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।